मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनो ना, पोंपा तुम्हें थोड़ी हेल्प कर देगी। हाँ पोंपा, पोंपा सुनो ना, तुम भाभी की थोड़ी हेल्प कर देना। हाँ। वो क्या है ना, भाभी अकेली सब कुछ नहीं कर पाएगी ना, तो तुम थोड़ी सी हेल्प कर देना, ठीक है? समझ गई। ठीक है ना, समझ गई। गी, मैं कह रही थी कि तुम्हारी बनारसी साड़ी, मैचिंग ब्लाउज सब तुम्हारे कमरे में रखा है। हाँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी, अकेले रेडी हो जाऊंगी, आप लोग जाइए। मतलब? मतलब मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों की। क्यों? हमें तुम्हारे साथ रहने दो ना। देखिए मैं अकेले सब देख लूंगी ना, आप लोग बाकी काम संभालिए, जाइए। हे भगवान, कहां से किस तरीके की बहू लेकर आए हैं? कैसी है ये? मैं किस तरह की बहू हूँ ये तो आप समझ ही जाएंगी। और आप लोगों को जीवन का ज्ञान देने के लिए ही इस घर में गीत राय आई है। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? बहू को रेडी नहीं करना? पार्लर से लड़कियाँ कब से आई हुई हैं? पता नहीं भाभी, उसने तो हमसे कहा कि वो खुद ही रेडी हो जाएगी। क्या? क्या? खुद ही रेडी हो जाएगी? और कैसे होगी? वो तो पता नहीं। समझ गया मैं, अच्छी तरह समझ गया, ये जरूर कुछ करना चाहती है। हे भगवान। वेद, वेद। जी पापा, बोलिए। तुम्हारी बीवी ने अभी क्या नाटक शुरू किया है? क्यों, क्या अब उसने क्या कर दिया? दरवाजा बंद करके रखा है। हाँ तो पापा, दरवाजा तो बंद रखेगी ना। वो कह रही है कि वो खुद रेडी होगी, जबकि पार्लर से लोग आकर बैठे हुए हैं। खुद से तैयार होगी? हाँ वेद, हमने कितनी बार कहा कि हम लोग हेल्प करते हैं या फिर पार्लर की लड़की आके हेल्प करेगी, लेकिन उसने कहा कि वो खुद ही रेडी हो जाएगी। पता नहीं अब क्या तमाशा होगा, क्या देखने को मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान रक्षा करो, एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ पत्नी, ये गृह युद्ध की लड़ाई में आपने मुझे कहां फंसा दिया? ऐसे भोले भाले सीधे साधे आदमी को आपने कहां फंसा दिया प्रभु? अब क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा, कौन जाने। अरे ये क्या कर रहे हो गृह, रहने दो रहने दो। नहीं बड़े मालिक, आप सब लोग मेरी बेटी की शादी में आए हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा ये सब जाने दो, ये बताओ तुम्हारी छोटी बेटी का? सुनती हो सेवली? लीजिए आ गई, आ बेटा आ, आ, आ। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, हमेशा खुश रहो। अरे खुश रहो खुश रहो। गंगा, बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी, और हो भी क्यों ना, मेरी जमुना की बहन जो है। जरा देना बेटा। हाँ। ये तुम्हारे लिए है। समधी जी, मेरी बेटी इतने महंगे तोहफे के लायक नहीं है। बिल्कुल है, और ये तो मेरी जमुना की बहन है, कोई कमी नहीं होगी। एक बात और गंगा, शादी में जितने भी पैसे लगेंगे, जो भी खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगा। नहीं पापा, मेरे ये बूढ़े गरीब पिता ही अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। आपने जो तोहफा दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पैसे नहीं ले सकते। इसलिए मैं तुम लोगों को इतना पसंद करती हूँ, तुम लोगों में कोई लालच नहीं, कितने सरल और कितने अच्छे लोग हो। तुम लोगों को पहले कितना दूर करते थे ये। माँ अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब? मतलब अब तो मेरे प्यारे ससुर जी मुझे ढूंढते रहते हैं। शैतान कहीं की। रुको मैं देखती हूँ जाके।
ए लड़की, सुन रही हो? सुनो सुनो, आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, आप प्लीज उसे ना मत बुलाइए, रहने दीजिए। क्यों? आप ना उसे बहू रानी बुलाइए, बहू रानी। ओह, बहू रानी बोलूं, बहू रानी। प्यार करने के लिए लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? प्यार करने के लिए तुझे और कोई लड़की नहीं मिली? जल्दी जाकर देखो, बाहर आए हुए लोगों के सामने मेरी और बेइज्जती मत करवाना। मैं देखता हूँ। गीत सुनो। गीत, वाह, गले के अंदर मिश्री घोलकर बुला रहा है। गीत सुनो, गीत 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 सुनो ना गीत। ये लड़का ना पूरी तरह अपने बाप पर ही गया है, भाभी की बात पर ही उठते और बैठते भी। देखो, तुम्हें फालतू बात नहीं करोगी, कह देता हूँ। माँ तो ठीक कह रही है मामा, आप तो मामी की बात पर ही उठते बैठते हो। गीत सुनो ना, तुम रेडी हो? हाँ रेडी हूँ। रेडी हो गई हो तो बाहर आकर हम सबको एक बार दर्शन दे दो। गीत, पता है वेन्यू पर सभी मेहमान आ चुके हैं। मैं भी रेडी हूँ, धोती कुर्ता पहनकर बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ। घर वाले भी सब रेडी हो गए हैं, और देर मत करो ना, आ जाओ ना प्लीज। भाभी, ओ भाभी, दरवाजा खोलिए ना। क्या मुसीबत है? बहुरानी, 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 दरवाजा खोलो। तुम किस रूप में दर्शन देने वाली हो? रानी, ये क्या? तुमने बनारसी नहीं पहनी, गहने नहीं पहने, ये सब क्या पहन लिया? ये तुमने क्या पहन लिया? बहुरानी, बहुरानी, अब ये क्या हो रहा है बताओ जरा। मैं इन्हीं कपड़ों में आज रिसेप्शन पार्टी में जाऊंगी। मतलब? ऐसा कभी होता है क्या? तुम सबके सामने हमारी बेइज्जती करना चाहती हो? क्या हुआ सासुमा? मतलब कि किसी की बेइज्जती करने का हक क्या सिर्फ आप ही लोगों को है? याद नहीं, शादी के मंडप में हमारे रिश्तेदारों के सामने, हमारे दोस्तों के, आस पड़ोस के, सबके सामने मेरे पापा का सर, मिस्टर खेदार राय का सर झुका दिया था। इनफैक्ट आप लोग तो शादी के मंडप से दूल्हे को उठा कर ले जा रहे थे। मतलब तुम बदला ले रही हो? नहीं, मैं बदला बिल्कुल नहीं ले रही, मैं तो बस ये समझा रही हूँ कि कुछ जख्म जाते नहीं। सुनो गीत, गीत, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, दया करके ये कपड़े बदल कर बनारसी साड़ी और गहने पहन लो ना। ऐसा नहीं करते गीत, मान जा मेरी माँ। वेद, तुम इसे माँ बोल रहे हो? माँ बोला क्या मैंने? तो और क्या बोलूँ, ऐसे हालात में और क्या बोलूँ? बहुरानी, बहुरानी, कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल चुप रही। मैं तो चुप ही खड़ा हूँ बहुरानी, तुम तैयार तो हो जाओ। हो जाऊंगी, पर पहले आप कहिए कि आप मेरे लिए इलिश फिश बनाएंगे। हाँ? हाँ?
हाँ बहुरानी हाँ, मैं अभी कोलकाता के सबसे हाई एंड बेस्ट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए सरसों एलिश फिश ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि आज की पार्टी की मेनू में तो सरसों एलिश फिश है ही नहीं। मैं ऑनलाइन 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 नहीं 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 ताऊ जी, मंगवाना नहीं है। तो फिर आपको जाकर खुद मेरे लिए फिश लानी होगी, उसके बाद फिश काट कर उसे साफ करके मेरे लिए आपको सरसों वाली इलिश मछली बनानी होगी। मैं काटूंगा बहुरानी? आप ही काटेंगे, अपने सुंदर सुंदर हाथों से फिश काटेंगे, फिर सरसों पीसेंगे और उसके बाद इलिश पकाकर आप मुझे खिलाएंगे। आह बहुरानी, तो तुम क्या बोल रही हो? तुम जेठ जी से मछली बनवाकर खाओगी? जी बनवाऊंगी। वैसे आप एक बात बताइए, क्या सिर्फ घर की बहुएं घर के बुजुर्गों को खाना बनाकर खिलाएंगी? और आप सभी बैठकर आराम से बस खाएंगे और हुकुम भी चलाएंगे? बेटा तुम बाल बड़े करो, तुम अच्छे ढंग के कपड़े पहनो, साड़ियाँ वगैरह, रात को तुम घर पर ही रहो। क्यों, क्या सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही नजर रखी जाएगी? सुनिए, आज से ही आपके पूरे परिवार के ऊपर ये गीत राय नजर रखेगी। गीत, तुम ये सब क्यों कर रही हो बताओ? गीत, क्या हो रहा है ये सब, अब बस भी करो। भाभी, जो बैंक्वेट हॉल बुक किया है वहाँ पर मेहमान आना शुरू भी हो गए हैं, प्लीज और देर मत करिए, अब चलिए। हाँ चलूंगी ना, पर पहले मेरे ताऊ ससुर जी मुझे इलिश मछली बनाकर तो खिलाए। नहीं, पहले मैं पराठे बनवाऊंगी। बहुरानी, मैं कह रहा था कि सुनो। मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं वेद, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं वेद, सब कुछ ताऊ जी करेंगे। आज तो सरसों वाली इलिश फिश बनाएंगे, कल वो पराठे बनाएंगे और परसों वो कीर्तन गाएंगे। मतलब? हाँ, मुझसे आप लोग जो जो भी करवाना चाहते थे वो सब कुछ अब आप लोगों को ही करना होगा। सरसों वाली मछली, सरसों में बनी मछली मेरी फेवरेट डिश है। आज जरा तुम अपने हाथों से पराठे और छोले बनाकर खिलाना। तुम अब अपनी सारी हदें पार कर रही हो, मर्यादा लांग रही हो तुम। बहुरानी, बहुरानी ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम सबसे? क्यों मतलब बदतमीजी करने का हक क्या सिर्फ मेरे ससुराल वालों को ही मिला हुआ है? बहुरानी, जमुना भाभी ढोली है, इस वजह से आप लोगों ने उनकी जो इतनी बेइज्जती की है, इस बात को मैं कैसे भुला दूं? एक ढोली ये हमारे परिवार से रिश्ता जोड़ेगी? इम्पॉसिबल। जिसके साथ मेरा इतने सालों का साथ था वो भी शादी के मंडप से उठ ही गया था। और अगर तुम ना चले तो अपनी माँ बाप की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। उस वक्त मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आपने वो सब बातें समधी जी को बता दी? कौन सी बात? माँ अब ये बातें रहने दीजिए ना, दूल्हा और बाराती आते ही होंगे। क्या बात है जमुना, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ गंगा? कुछ भी नहीं पापा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। पापा ये सब बातें छोड़िए ना, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी है। हाँ बड़े मालिक, दामाद जी ने थाने में रिपोर्ट करवा दी थी। हुआ क्या है? ऐसा क्या हुआ कि थाने में रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत पड़ गई? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बताओ। कोई भी ऐसी बात है तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो बताओ ना मुझे। पापा पापा ये सब बातें अभी रहने देते ना, अब सब कुछ ठीक हो गया है पापा। अरे पर हुआ क्या था बताओगे? पापा जमुना के साथ एक हादसा होने वाला था। हादसा होने वाला था? रहने दीजिए ना ये बातें, शादी जैसे शुभ अवसर पर ये सब। रुक जाओ जमुना, उसे बोलने दो। बताओ संगीत, क्या हुआ था? पापा पापा मैं तो वहां पर था भी नहीं।
अचानक से गजा ने आकर बताया कि जमुना को किसी ने पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की है। क्या? हाँ, उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की गई थी। संगीत क्या कह रहा है जमुना? क्या कह रहा है ये? तुम्हें पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की गई? किसने किया ऐसा? बताओ, ऐसे चुप मत रहो, बताओ मुझे। पापा। हाँ हाँ बोलो, किसने किया? हाँ पापा, मुझे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की गई थी। इतनी बड़ी घटना घट गई और मुझे तुम लोगों ने एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी? क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? गंगा तुम्हारे पिता, संगीत तुम्हारा पति और हम लोग कुछ भी नहीं। हम लोग कुछ भी नहीं तुम्हारे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? एक बार भी सोचा कि क्या होता हम लोगों का? इस बुढ़ापे में कितना दुख होता हमको। अरे तुम्हें हम लोगों ने अपनी सगी बेटी से कम माना है क्या? किसी छोटे बच्चे की तरह पिटाई करूंगा मैं तुम्हारी। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं, कैसे शांत हो जाऊं? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे इस बूढ़े ससुर का क्या होता, तू ही बता। मैं तेरा पिता नहीं हूँ तो तू मुझे कुछ भी नहीं बताएगी? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। असल में आज कृष्णा की शादी है ना, घर में शुभ कार्य है, इसलिए मैंने इस बीच में बताना सही नहीं समझा। तुम लोगों ने थाने में खबर की या नहीं? हाँ पापा। वैसे ये काम किसका हो सकता है? भूषण का? सिर्फ भूषण नहीं है पापा, इस अपराध में कोई और भी शामिल है और ये मेरा शक नहीं पक्का यकीन है। और कौन? आर्या। हाँ पापा। वो लड़की नहीं सुधरेगी, इस बार उसे मुंह तोड़ जवाब देगा ये केदार राय। उसे नहीं तो पापा, अभी ये सब नहीं पापा, ये सब अभी रहने दीजिए। आज मेरी बहन की शादी है। सुनो माँ, माँ इन सब के लिए, मतलब पापा, माँ, पल्लवी, श्री, सबके लिए अच्छे से खाने की व्यवस्था करो ना माँ। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हमें गीत के रिसेप्शन में जाना है। क्या हुआ गजा? बारात आ गई है। अच्छा मैं आती हूँ, तू जा, तू जा, मैं स्वागत की रस्म करके आती हूँ। तुम अकेली क्यों जाओगी? मैं भी चलती हूँ ना। आप भी चलेंगे? हाँ क्यों नहीं चलूंगी मैं। ए जमुना चलो ना, पल्लवी श्री तुम भी चलो। चलिए पापा। हाँ चलो। जिसके साथ मेरा इतने सालों का साथ था वो शादी के मंडप से उठ ही गया था। उस वक्त मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और तब मेरा परिवार सब लोगों को क्या जवाब देता? तब आप लोगों ने उनके बारे में सोचा था कुछ? गीत सुनो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। शांत होने की बात ही नहीं है वेद, शांत होने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे ताऊ ससुर अगर आज के आज मुझे इलिश मछली बनाकर नहीं खिलाएंगे तो फिर ठीक इन्हीं कपड़ों में मैं रिसेप्शन में जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं, रुको बात करता हूं। ताऊ जी। क्या? मैं कह रहा था कि आप वो इलिश फिश बना दो ना। अरे बेटा मैं तो कह रहा हूँ मुझे सब बनाना नहीं आता। तो फिर मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊं क्या? नहीं। तुम क्या कर रही हो? क्यों आपको समझ नहीं आ रहा? ताऊ जी, अब इलिश मछली बनाकर आप खिलाएंगे? ठीक है, जाता हूँ। चलो बहुरानी। नहीं 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 नहीं, आप अपने साथ रसोई में किसी को नहीं ले जा सकते, याद है ना? अरे याद करने की कोशिश कीजिए ना। मेरे घर में जब मैं रसोई में जा रही थी तो मेरी माँ भी मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन आपने उन्हें साथ नहीं जाने दिया। आपने माँ को साथ नहीं जाने दिया, साथ ही मेरी बुआ को भी नहीं जाने दिया था, तो वैसे ही मैं आपके साथ किसी को नहीं जाने दूंगी। आपको सब कुछ अकेले करना होगा। हाँ जाओ जाओ, हम लोग तब तक बैठ कर बात करते हैं, तब तक तुम पराठे और छोले बना कर ले आना। गीत, च-
चलो। नहीं नहीं आप कहीं मत जाइए, ये खुद ही बनाकर ले आएगी। आप यहाँ बैठिए ना, हमारे साथ आकर बातें कीजिए। हाँ याद है याद है। क्या लड़की है ये, इस घर में इस उम्र में ये लड़की मुझसे सरसों इलिश बनवाएगी। हाँ बनवाऊंगी, आप इलिश फिश बनाएंगे, पराठे बनाएंगे और मेरे ससुर जी और सासू माँ एक साथ बैठकर कीर्तन गाएंगे। वाह बहुरानी। गीत क्या हो रहा है ये, तुम मेरे पापा की बेइज्जती कर रही हो। मैं बिल्कुल बेइज्जती नहीं कर रही हूँ वेद, मैं बस समझा रही हूँ कि यही सब कुछ जब एक लड़की के घर पर होता है तब उस लड़की को कैसा लगता है, बस यही बात मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खैर छोड़ो, अब मुझे एक गाना सुनना है, तो चलो आप सब अपने अपने काम में लग जाओ। गीत कुछ नहीं कर सकते। सही कहा भाभी, बहुत ही जिद्दी लड़की है। हाँ। भैया, ओ भैया। हाँ? आपने जल्दी से सरसों इलिश बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, यही करता हूँ। अच्छा अगर तुम मेरी हेल्प कर देती तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा, उसने कहा ना कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँ, मैंने अपनी जिंदगी में सब किया है क्या। क्या लड़की है, कहती है मछली लेकर आओ, साफ करो, काटो, फिर सरसों पीस कर उसे। हाँ आपने ही मुझसे कहा था कि मछली को साफ करके पकाया जाता है। अब मैं क्या करूं, इस उम्र में सरसों पीसूं। हाँ मुझसे भी तो कहा था बहुरानी, सरसों पीसना होगा तुम्हें। अब आप भी तो पीसिए, अब आप भी तो देखिए कि ये सब कितना मुश्किल है। अब क्या होगा मेरा। खड़े क्यों हैं? जाइए जाइए जाइए, जल्दी काम में लग जाइए। भैया
फूल फेंक रहा हूँ कृष्णा के ऊपर, अभी फूल फेंक रहा हूँ, देख चुन चुन के, चुन चुन के फूल फेंक रहा हूँ। इन्हीं फूलों पर तो हमारी सुहाग रात होगी। ओ कृष्णा मेरे पास आ जा, सेज बिल्कुल तैयार है। ओ कृष्णा मैं तुझसे कितनों प्यार करता हूँ। एक एक मिनट मेरा दिल तेरे पीछे धक धक करता रहता है। देखो भैया आपके इतने दिनों का सपना पूरा होने जा रहा है। काले मेरा प्यारा सोना कर रहा है कृष्णा के साथ शादी, और सुहाग रात होगी मेरे साथ। कृष्णा मेरी कृष्णा, अच्छा कृष्णा मेरे पास आ जा। अब इंतजार नहीं हो तो कृष्णा। अरे अब पान पत्ता तो हटाओ। अरे क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है? पान पत्ता हटाओ, नैनो को नैनो से मिलने दो। अरे बाप रे, अब तो हमें निकलना ही होगा। कहाँ? भूल गए? गीत के रिसेप्शन में नहीं जाना? ओ, तुम लोग नहीं जाओगे? हाँ पापा, हमें जाना तो है पर हम लोगों को पहुँचने में रात हो जाएगी। एक काम कीजिए, आप लोग निकल जाइए। हम लोग चले जाएं? हाँ। ये क्या कह रहे हो मालिक? आपने समय निकाला, सब परिवार मेरी बेटी की शादी में आए, मैं तो धन्य हो गया मालिक। ये कैसी बात कर रहे हो? कृष्णा तो मेरी बेटी जैसी ही है। ठीक है चलते हैं। अच्छा चलता हूँ। चलो अनु, वरना देर हो जाएगी। हम लोग चलते हैं, तुम लोग आ जाना। हाँ हाँ चलो, चलती हूँ जी। चलो Thank you.
सोने का भारी भरकम गहना दे रहे हैं। हाँ तो बढ़िया, पैसे उड़ाए जाओ, दान किए जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ केदार बाबू, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिस तरह मेरा कॉलर पकड़ा था ना, ये काम आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। ये बात पहले की होती तो मैं तुझे ऐसी जगह बंद करवाता जहां पर तू सड़ सड़ के मर जाता, लेकिन समय बदल चुका है और मैं बदल चुका हूं, इसीलिए तू अभी मेरे हाथों से बच रहा है। चलो अनु, जल्दी समझ आ जाएगा आपको और आपकी बहुरानी जमुना को, कल रात समझ आ जाएगा कि हेलो हेलो, भाभी पापा वहाँ से निकल गए? हाँ गीत, माँ पापा यहाँ से निकल चुके हैं, वहाँ प्रोग्राम शुरू हो गया। कैसा प्रोग्राम, क्यों क्या हो गया? पता है इस वक्त मैं मॉडर्न ड्रेस पहनकर बैठी हुई हूँ। क्या कहा, पर क्यों? और मेरे ताऊ ससुर जी वो इस वक्त इलिश फिश बना रहे हैं। क्या? वो भी एकदम ताजी मछली लाकर, उसे काट कर अच्छे से साफ करके, उसके बाद सरसों पीस कर बढ़िया से सरसों वाली इलिश बनाकर मुझे खिलाएंगे वो। ये क्या बोल रही हो? मुझसे वो लोग जो जो करवाना चाहते थे ना, मैं भी अब उन लोगों से वही सब कुछ करवाऊंगी जमुना भाभी। अच्छा गीत, मेरी बात सुनो, ये सब नहीं करना चाहिए। भाभी उन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, और तुम सिर्फ जमुना नहीं हो, तुम एक औरत हो, नारी शक्ति हो, और हमेशा से देखती आ रही हूँ औरतों के ऊपर अत्याचार होता ही आ रहा है पुराने समय से ही, पर अब इन्हें सुधारने की जरूरत है, सीख की। अच्छा अब मैं रखती हूँ, ठीक है, जरा देख के तो आऊँ मेरे ताऊ ससुर कैसी मछली बना रहे हैं। नहीं गीत, मेरी बात सुनो। गीत हेलो हेलो, गीत सुनो। जमुना अब क्या हो गया? अब नई सनक सवार हुई है। सनक सवार है मतलब? अब क्या बताऊं, जब तक गीत के वो जो ताऊ ससुर जी है ना, इलिश काट कर अच्छे से साफ करके सरसों में लपेट कर मछली बनाकर उसे नहीं खिलाएंगे, तब तक गीत वो मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही बैठी रहेगी, साड़ी पहनकर रिसेप्शन में नहीं जाएगी। ये लड़की भी ना, मुझे मुझे पता था कि ऐसा होगा। Thank you.
अरे मछली का सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले इस मछली को अच्छे से साफ करना होगा, उसके बाद इसे कच 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 करके काटेंगे, उसके बाद आप सरसों पीसेंगे और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से पकाकर मुझे खिलाएंगे। बहू रानी, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। अपने ताऊ ससुर से ये सब काम तुम नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? मतलब ऑर्डर लेने के लिए हम घर की बहुएं ही हैं, हाँ? तुम्हें खाना बनाना आता है? और कुछ जगह तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं, अरे दिखाओ तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, जरा चलकर दिखाओ तो। क्यों? और कब तक चलेगा ये सब? कब तक करेंगे आप ये सब? इसलिए अब मुझे भी ये देखना है कि मेरे ससुराल वाले कितना काम कर सकते हैं। मैं सरसों इलिश खाऊंगी, समझ गई आप? सरसों इलिश। क्या हुआ ताऊ जी, जल्दी से पकाना शुरू कीजिए। हाँ, बहू रानी, तुम जो ये सब कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। गीत, गीत, तुम ना चलो यहाँ से। पार्लर से कुछ लोग आए हैं, वो लोग तुम्हें तैयार करेंगे और सीधा रिसेप्शन पार्टी के वेन्यू पे ले जाएंगे। चलो ना प्लीज। भाभी चलो ना, प्लीज चलो, ऐसा क्यों कर रही हो? चलो ना भाभी। तो ठीक है, ओके। वेद, हाँ? चलो 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 चलो। कहाँ? अरे बाबा, तुम्हारा जो भी कपड़े उपड़े हैं, सामान है, सब समेट लो, तुम मेरे साथ घर जमाई बनकर चलोगे। गीत, गीत, मैं कह रहा था कि अगर एक बार तुम मेरी बात... नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी अब। चलो चलो, देर हो रही है, चलो ना जल्दी, चलो। बहू रानी, चली जाओगी मतलब? ये सब क्या कर रही हो तुम? जाना मत बहू रानी, कहीं मत जाना। मैं इलिश को साफ करता हूँ, साफ करके काटता हूँ। तुमने अभी जो जो भी करने को कहा है वो सब करता हूँ। मैं हेल्प कर सकती हूँ? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। याद है मुझे जब आपने पराठा बनाने को कहा था, मेरे घर वालों ने भी मेरी मदद करनी चाहिए थी, तब आपने उन्हें मना किया था ना, अब मैं कैसे करने दूं? चल। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, ये खुद ही बनाकर ले आएगी। आप यहाँ बैठिए ना, हमारे साथ आकर बातें कीजिए। जाओ बेटा जाओ, हम लोग तब तक बात करते हैं, तुम पराठे और छोले बना कर ले आओ। बहू रानी, देखो जो होना था वो तो हो ही गया। तो अब थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, करता हूँ, करता हूँ, सब करता हूँ। सुनो, जरा कुछ दो, इसे साफ करो। हाँ हाँ, मुझसे बनवाएगी, ऐसा बनाऊंगा कि जन्मों तक याद रखेगी। क्या ताऊ जी, मन ही मन खूब गाली दे रहे हो ना मुझे? छे छे, ये क्या बोल रहे हो बहू रानी? आप पक्का मन ही मन बोल रहे हैं? जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। सुनो बहू रानी, क्या तुम मन की भी बात सुन लेती हो? नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि ऐसी हालत में ना मन में यही सब बातें घूमती रहती है। मन कर रहा होगा, हाँ, इसका गला दबा दूं, मार मार के भरता बना दूं, कर रहा है ना? बताइए, तुम्हें सब क्या बोल रहे हो बहू रानी? ये सब क्या हो रहा है बहू रानी? चलिए अब साफ करना शुरू कीजिए। हाँ, करता हूँ, करता हूँ, कर रहा हूँ, अभी साफ कर रहा हूँ बहू रानी।